अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनफोर्ट दो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग फ्लो चार्ट्स किस तरह बना सकते हैं, माइंड मैपिंग डायग्राम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी एआई की मदद से। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ईड्रा मैक्स। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसकी मदद से आप लोग डायग्रामिंग एंड फ्लो चार्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, फ्लोर प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आप लोग यहां से देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्लानिंग कर सकते हैं, मीटिंग्स एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। तो ऑल इन वन बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, माइंड मैपिंग के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, किसी भी चीज़ को प्लान करने के लिए। तो इसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिसको आप लोग अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बेसिक डायग्राम भी यहाँ पर मौजूद हैं जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी माइंड मैपिंग के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। यहाँ पर फ्लो चार्ट्स हैं, एआई फ्लो चार्ट्स हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। माइंड मैपिंग है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैप है, बबल डायग्राम है, और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डायग्राम मौजूद हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ग्राफ्स एंड चार्ट्स हैं यहाँ पर जिसको आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके यहाँ पर फॉर्म भी दिए गए हैं एआई में, तो आप लोग इसको भी बना सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर एआई का फंक्शन ऐड किया गया है, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग फ्लो चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं एआई की मदद से, तो यहाँ पर आपने बेसिक फ्लो चार्ट पर क्लिक करें, यहाँ या फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एआई ड्राइंग हेल्प्स ओपन योर माइंड, क्रिएट नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करें कि आप लोग फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, माइंड मैप, लिस्ट या फिर टेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्लो चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा जॉब हायरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसने कितने ज़बरदस्त तरीके से ये मेरा जो फ्लो चार्ट है इसको क्रिएट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं, स्टार्ट से लेकर रिसीव जॉब एप्लीकेशन, रिव्यू एप्लीकेशन, तो आप लोग देख सकते हैं, येस नो, इस आपको मैन्युअली कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखते जाएँ और ये फ्लो चार्ट क्रिएट करता जाएगा। तो इस तरह से आप लोग माइंड मैपिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर माइंड मैप पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको क्रिएट न्यू के बटन पर क्लिक करता हूं, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर टाइप करता हूं हाउ टू मेक कपकेक और एंटर कर देता हूं। उसके बाद यहां पर ए जनरेटेड कंटेंट है मेरे पास, मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा कंटिन्यू टू एक्सपेंड द माइंड मैप। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली एआई जो है इस पर वर्क करेगा और इसको क्रिएट कर देगा। तो आप लोग देखिए, इसने स्टेप बाय स्टेप एक चार्ट क्रिएट कर दिया है कि आप लोग किस तरह से कपकेक बना सकते हैं। सबसे पहले उसने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, उसके बाद इसने इंस्ट्रक्शंस बताए हैं कि आप लोग इसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सारा उसने एआई की मदद से किया है, आप लोगों को कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग इसको बिल्कुल एडिट तो कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एडिट कर देता हूं, और यहां से आप लोग इसका जो कलर वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर ये सेंटेंस मुझे ये वाला लॉन्ग लग रहा है, तो मैं एआई जनरेटेड कंटेंट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट ब्रेक्स, यहाँ पर टेक्स्ट ब्रेक्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको 1, 2, 3 वाले में शेप्स में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको नंबरिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। पॉलिश टेक्स्ट का बटन मौजूद है। इसके अलावा मेक दिस पैसेज लॉन्गर, अगर आप लोग चाहते हैं इस वाले पैसेज यानी जो पैराग्राफ है इसको लॉन्ग करना चाहते हैं, तो जो एआई है ये इसको लॉन्ग कर देगा। तो ये देखिए, इसने इस पैसेज को कितना लॉन्ग कर दिया है। मैं दोबारा से, अगर इस वाले पैसेज को, आप किसी भी पैसेज को शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर दोबारा से क्लिक करता हूँ तो इसने इस पैसेज को शॉर्ट कर दिया है। अगर मैं इसको मजीद शॉर्ट करना चाहता हूँ, मेक दिस पैसेज शॉर्टर, मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देखिए इसने इसको शॉर्ट कर दिया है। इसी तरह से आप लोग इसकी जो टोन है वो चेंज कर सकते हैं, लाइक प्रोफेशनल, इनफॉर्मल, डायरेक्ट, कॉन्फिडेंट एंड फ्रेंडली। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको इनफॉर्मल करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसने इसकी टोन जो है वो चेंज कर दी है। अगर मैं इसको
कॉन्फिडेंट करना चाहता हूँ या फ्रेंडली, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल करना चाहता हूँ तो मैं इसको प्रोफेशनल पे क्लिक कर दूंगा। तो इसी तरह से आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लैंग्वेजेस दिए गए हैं जिसमें आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगाल, आप लोग इसको चाइनीज़ वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको स्पेनिश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये आपको एक क्लिक से इसको कन्वर्ट कर देगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसने इसको स्पेनिश में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऊपर मेरे पास बटन मौजूद है AI Hot का, इसमें ऑप्शन है वन क्लिक एडिट। अगर आप लोग इसको एक क्लिक में एडिट करना चाहते हैं तो आप लोग वह भी कर सकते हैं। ये देखिए आप लोग इसको वन क्लिक एडिट कर सकते हैं। तमाम इसका फॉन्ट कलर वगैरह चेंज हो जाएंगे। आप लोग तमाम टेक्स्ट का कलर एक ही बार में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यूनिफाई कलर्स मौजूद हैं, आप लोग इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट एनालिसिस है, इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखे कह रहा है कलर ऑप्टिमाइजेश, कलर स्पेसिफिकेशंस में आप लोग इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप लोग इसको एनालिसिस को रिपीट भी कर सकते हैं। एक और जो ज़बरदस्त चीज़ है इमेज टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन की, आप लोग कोई भी स्कैन डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कर सकते हैं और वो उसका जो टेक्स्ट होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, आप लोग कोई भी पिक्चर स्कैन डॉक्यूमेंट जो है इसमें अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले को ओपन करता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा तो जो ये स्कैन डॉक्यूमेंट होगी ये इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग किसी भी पिक्चर का टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये टेक्स्ट मौजूद है। आप लोग इसको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग अपनी इमेजेस से भी टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें AI टूल दिए गए हैं जिनको आप लोग अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।